इज द प्रोजेक्ट फार्म ओलंपिया इन गौर सिटी नोएडा एक्सटेंशन। आप देख सकते हैं किस लोकेशन पे है ये, बिल्कुल मेन रोड पे है, 130 मीटर वाइड रोड जो कि आपको कनेक्ट करता है गौर सिटी सेंटर और कनेक्ट करता है NH24। तो इस प्रोजेक्ट में आज आप देख पाएंगे एक फ्लैट का वीडियो जो कि अवेलेबल है सेल के लिए, और इस तरीके के अलग अलग रेडी टू मूव इन ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं नोएडा एक्सटेंशन के लोकेशन में। आपकी जैसे भी रिक्वायरमेंट हो, रियल्टी रिसर्च आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बिल्कुल कैपेबल है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, हम लोग अभी लिफ्ट एंड लॉबी एरिया में आ चुके हैं। तो एक फ्लोर पे आपको 7 लिफ्ट देखने को मिलेगा जो कि डिफरेंट अलग अलग साइजेस के होंगे। 3 लिफ्ट हैं एक फ्लोर पे और 2 स्टेयर केस के साथ ये आपको लिफ्ट एंड लॉबी एरिया मिलता है। लॉबी एरिया अगर आप देखें तो काफ़ी स्पेशियस लॉबी एरिया है। हार्डली ही नोएडा एक्सटेंशन में आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा जहाँ पर इतना बेहतरीन स्पेशियस लॉबी एरिया आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी जो आप ये फ्लैट देखने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है वो एक 4 BHK प्लस 7 का मिलने वाला है, जिसका कि साइज है 2557 स्क्वायर फीट, जो कि एक है 4 BHK प्लस 7। तो जैसे ही दोस्तों हम लोग घर के अंदर एंटर करते हैं तो एंट्री पे ही आप देखेंगे काफ़ी आपका प्राइवेट एरिया निकल आता है यहाँ से। तो आप देख पा रहे होंगे काफ़ी स्पेशियस है। अगर आप किसी भी तरीके का गार्डनिंग वगैरह करना चाहते हैं, गमले वगैरह रखना चाहते हैं अपने घर के बाहर, तो काफ़ी अच्छा स्पेस है, सेपरेट पार्ट है। जैसे ही हम एंटर करते हैं, एंटर करते के साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो एक अच्छा स्पेस है जो कि सूर्य काइंड ऑफ स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं आप। देन जैसे हमने घर के अंदर एंटर किया, लेफ्ट हैंड साइड में ही आपको एक सर्वेंट रूम मिल जाता है अटैच विद द वॉशरूम। इस एरिया को आप एज ए सर्वेंट रूम यूज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, एज वेल एज अगर आप मंदिर इसे बनाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इस फ्लैट में अगर आप देखें तो ऑल दो इनको सर्वेंट रूम की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो इन्होंने मंदिर काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। और सामने ही जो आप डोर देख रहे हैं ये अटैच वॉशरूम का था, तो इसको आप किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप साथ में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, और इसी के थ्रू आप किचन में भी एंटर कर सकते हैं। अभी आप किचन की तरफ से बालकनी में देखेंगे वहाँ से किस तरीके से आप इस स्पेस से जुड़ जाते हैं। तो ये एक लॉफ्ट एरिया आ जाता है। इस लॉफ्ट एरिया को क्रॉस करने के बाद दिस इज योर फर्स्ट बेडरूम। ऑल दो फैमिली यहाँ पे रह रही है, इस वजह से आप देखें तो थोड़ी बहुत चीज़ें फैला हुआ है, बट आप समझ सकते हैं घर पे काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। स्पेशियस रूम है विथ अटैच्ड वॉशरूम। ये जो सामने आप देख रहे हैं दिस इज़ द वॉशरूम एरिया। वार्डरोब का काम ऑलरेडी किया हुआ है, फैन लाइट्स लगे हुए हैं, एसी लगा हुआ है, फॉल सीलिंग का काम भी किया हुआ है। So this is the first bedroom. Going forward, अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे living cum dining area. So this is the family lounge area, living area. अगर आप इस area को देखें तो completely
फॉल सीलिंग का काम किया हुआ है, काफी स्पेशियस एरिया है। एंड दिस इज योर डाइनिंग पार्ट जो कि काफी खुला हुआ है, काफी स्पेशियस पार्ट है। पूरे घर पे अगर आप देखें तो फॉल सीलिंग का काम किया हुआ है, फैन लाइट्स लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं। अब हम स्पेशियस किचन की तरफ देखते हैं। अगर हम किचन की तरफ देखें दोस्तों तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो फुल मॉड्यूलर किचन का काम किया हुआ है, टॉप एंड बॉटम कैबिनेट्स का काम किया हुआ है इसमें। इसके साथ में ही यूटिलिटी बालकनी जो कि काफ़ी बड़ी बालकनी है, अभी आप देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से जो बालकनी है वो कोई छोटी बालकनी नहीं है, काफ़ी ओपन बालकनी है। एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फ्लैट इज ये जो फ्लैट है वो टू साइड ओपन फ्लैट है, सनलाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे, एयर सर्कुलेशन वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दोस्तों देख सकते हैं अभी हम लोगों ने किचन एंड हॉल के साइड से एंट्री लिया है, तो आप देखिए काफ़ी अच्छा स्पेशियस ओपन बालकनी है जो कि टुवर्ड्स फेस करता है आपको एंट्री गेट की तरफ एंड स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ की तरफ। ये सामने ही पूरा का पूरा स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ बना हुआ है। एंड ये पूरी की पूरी बालकनी है, मैंने जब आपको सर्वेंट रूम दिखा रहा था, पूजा रूम दिखा रहा था, उस साइड से मैंने आपको बताया था कि इधर से आप किचन की तरफ अटैच्ड हो सकते हैं। तो ये बालकनी आप देखें कितना स्पेशियस बालकनी है, ये आप देख सकते हैं। और ये जस्ट हमने अभी एक बालकनी ही कवर किया है। अब हम हॉल के दूसरे साइड में चलते हैं जहाँ पे आप देख पाएंगे कि किस तरीके से ये टू साइड ओपन है। यहाँ से दोस्तों हमने एंट्री किया था, जैसे हमने एंट्री किया तो हमने एक सर्वेंट रूम कवर किया, एक बेडरूम हमने कवर किया, लिविंग डाइनिंग एरिया कवर किया, किचन के साथ में हमने एक बहुत ही स्पेशियस बालकनी कवर किया। एंड दिस इज़ द सेकेंड साइड बालकनी जो कि आप अभी देख पाएंगे। सो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द बालकनी जो कि सेम साइज की बालकनी है जो अभी आपने दूसरे साइड में देखा था। दोस्तों ये दोनों बालकनी देखने के बाद आपको क्या लगता है कि आपने कोई नोएडा एक्सटेंशन में ऐसा फ्लैट देखा है जहाँ पे इतना ओपन वाइड बालकनी हो और इतनी ओपन वाइड सोसाइटी हो जो कि वेल क्लीन्ड हो, वेल मेंटेन्ड हो, सारी एमिनिटीज फैसिलिटीज़ के साथ हो। ये जो सामने आप देख रहे हैं ब्लू कलर की फेंसिंग, ये सेम प्रोजेक्ट का ही, सेम डेवलपर का ही सेकेंड फेज डेवलप हो रहा है। आज वहाँ पर अगर मैं लॉन्चिंग प्राइस बोलूँ तो लगभग 8,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का बेसिक कॉस्ट है दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम अदर चार्जेस। तो ये आप मिसमराइजिंग साइज देख रहे हैं दोस्तों, दोनों ही बालकनी का आपने साइज देखा है। एंड ये पूरा का पूरा थोड़ा सा लुक आप ले सकते हैं फ्लैट का। सो मूविंग फॉरवर्ड, तो लिविंग डाइनिंग हॉल के साथ में आपको एक गेस्ट वॉशरूम भी मिल जाता है। अगर आपके कोई भी गेस्ट आए और जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो आपके किसी भी कमरे में एंटर ना करें, ऐसा यहाँ पे प्रोविज़न दिया हुआ है। ये गेस्ट वॉशरूम बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो जाता है। तो फर्स्ट बेडरूम के बाद दोस्तों, ऑल्दो काफ़ी लोगों का अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो ये जो तीन बेडरूम आप देख रहे हैं काफ़ी
लार्ज साइज का बेडरूम है, तो वर्क फ्रॉम होम की वजह से ये लोग अपने मीटिंग्स में इंगेज हैं, तो मैं आपको अंदर से तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको इस बेडरूम का साइज़ ज़रूर पता लग जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ पिक्चर्स भी शेयर कर दूँ बेडरूम का, जिससे आपको पता लग जाए कि अंदर का जो इंटीरियर पार्ट है वो कैसा है। और अगर आपको ये लेआउट एंड प्राइसिंग समझ में आते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है, तो आप एक बार विज़िट ज़रूर करें, ताकि आप फिज़िकली इस चीज़ को देख पाएँ और डिसाइड कर पाएँ कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट कितनी फुलफ़िल होती है। आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड तभी कर पाएंगे जब आप एक बार विज़िट करेंगे। एंड दिस इज़ द वीडियो विच इज़ जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि अगर आपका बजट ये सुटेबल है और इस लोकेशन को प्रेफर करता है, तो यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो दिस इज द प्रोजेक्ट विच इज बाय द नेम ऑफ पाम ओलंपिया, एंड ये एक डेवलपर का प्रोजेक्ट है जो कि सैम इंडिया के नाम से डेवलपर है, और इन्होंने ये प्रोजेक्ट अपना डिलीवर किया था अप्रैल 2016 से 2018 के बीच में डिलीवर किया था। 12 एकड़ में ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, ऑलमोस्ट 12 से 14 टावर यहाँ पे डिलीवर्ड है अलग अलग साइजेस के। बहुत ही नीट एंड क्लीन सोसाइटी है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन नोएडा एक्सटेंशन, ओपन स्पेस काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा रहा है, वेल मेंटेन सोसाइटी है, RWA डेवलप्ड है, रजिस्ट्री यूनिट है यहाँ पे, ऐसे कोई भी फ्लैट्स नहीं है जिसमें कि रजिस्ट्री नहीं हुई है। तो आप किसी भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आप लोन ले सकते हैं। 2 BHK से लेकर के 4 BHK प्लस सर्वेट तक के साइजेस हैं जो आप ये फ्लैट देख रहे हैं। दिस इज़ द मैक्सिमम साइज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, और हार्डली यहाँ पे 20 से 30 ही यूनिट्स ऐसे हैं जो कि इस साइज़ में बने हुए हैं। कम्प्लीटली नोज यूनिट होने के वजह से ये 2 साइड ओपन व्यू आपको देता है, जहाँ पे आपको मिसमराइजिंग सन व्यू एंड गार्डन फेसिंग स्पोर्ट्स व्यू स्पोर्ट्स फैसिलिटी फेसिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फुल्ली फर्निश्ड ये घर है, जो भी सामान लगा हुआ है वो एज इट इज़ आपको हैंड ओवर होगा, जितने भी मूवेबल आइटम्स हैं वो नहीं कवर्ड होंगे। तो अगर आपका बजट समवेयर अराउंड 2 करोड़ आपका अगर बजट है, तो डेफिनेटली आप इस फ्लैट को एक बार विज़िट करने का प्लान करें, जिससे आपको एग्जैक्टली पता लग पाएगा कि नोएडा एक्सटेंशन में ऐसे क्या ऑप्शंस हैं जहां पे आपके रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो पाएगी। आई होप आपको पूरी जानकारी मिल पाई होगी कि ये जो 4 BHK प्लस 7 का फ्लैट है वो किस तरीके से बना हुआ है, क्या लेआउट है इसका। ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारे जल्द से जल्द एक्सेल सेक्टर टीम से कोऑर्डिनेट करें। कोई और डीप इंफॉर्मेशन आपको इस फ्लैट से रिलेटेड चाहिए तो वो सारी की सारी जानकारी आपको हमारे माध्यम से मिल जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों एक अच्छे ट्रांसपेरेंट एंड अनबाइज्ड इंफॉर्मेशन के साथ आपके ड्रीम हाउस की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।